तो टीम इंडिया ने श्रीलंका के अगेंस्ट दूसरा T20 मैच भी जीता और इस सीरीज को फिलहाल 2-0 से जीत लिया है। और DLS मेथड की वजह से टीम इंडिया को इस मैच में 8 ओवर में 78 रन बनाने थे और टीम इंडिया ने यह मैच जीता टोटल 7 विकेट से। और इस मैच में यशस्वी जायसवाल की तरफ से हमें काफी अच्छी इनिंग देखने को मिली। हार्दिक पांड्या ने मैच को काफी अच्छे से फिनिश किया और रवि बिश्नोई ने इस मैच में लिए 3 विकेट। बाकी शुरुआत से मैच की बात की जाए तो इंडिया ने टॉस जीता और बॉलिंग करने का डिसीजन लिया और 26 रन पर श्रीलंका ने अपना पहला विकेट खोया जो कि था कुशल मेंडिस का विकेट जिन्होंने बनाए केवल 10 रन। उसके बाद रवि बिश्नोई ने पथुन निशंका को 32 रन पर डगआउट में भेजा और उनके बाद कुशल परारा 34 बॉलों में 53 रन बनाकर आउट होते हैं, उनका विकेट लेते हैं हार्दिक पांड्या। उनके बाद शनाका को रवि बिश्नोई 0 रन पर ही डगआउट में भेज देते हैं और धीरे धीरे करके श्रीलंका की टीम बनाती है 20 ओवर में केवल 161 रन, जिसमें इंडिया की तरफ से अर्षदीप सिंह ने 2 विकेट लिए, अक्षर पटेल ने 2 विकेट लिए और रवि बिश्नोई के नाम रहे 3 विकेट। लेकिन उसके बाद जब टीम इंडिया टारगेट को चेस करने उतरती है तो 12 रन पर टीम इंडिया का पहला विकेट गिरता है जो कि होता है संजू सैमसन का विकेट जो कि केवल गोल्डन डक बनाकर डगआउट में पहुंच जाते हैं। और संजू सैमसन के फैंस अभी भी इस चीज के लिए जस्टिस मांग रहे हैं। एक तो जैसे तैसे करके संजू सैमसन को इस मैच में खेलने का मौका मिला और इसी मैच में वो डक पर आउट हो गए। लेकिन इसके बाद मैच में बारिश पड़ जाती है और DLS मेथड की वजह से टीम इंडिया को टारगेट मिलता है 78 रन का, वो भी उन्हें बनाने होते हैं केवल 8 ओवर में। लेकिन उसके बाद 51 रन पर टीम इंडिया का दूसरा विकेट गिरता है जो कि सूर्य कुमार यादव का विकेट जो कि बनाते हैं केवल 12 बॉलों में 26 रन। और उनके बाद यशस्वी जायसवाल भी केवल 15 बॉलों में 30 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद हार्दिक पांड्या मैच को फिनिश करते हैं जो कि केवल 9 बॉलों में 22 रन बनाकर टीम इंडिया को 7 विकेट से मैच जिता देते हैं और टीम इंडिया ने टारगेट केवल 6.3 ओवर में ही चेज कर लिया था। बाकी आखिरी में मैं संजू सैमसन के बारे में बात करूं तो उन्हें पहले मैच में खेलने का मौका तो नहीं मिला था, लेकिन इस बार जब उन्हें खेलने का मौका मिला तो उनसे कराई गई ओपनिंग और ओपनिंग में वो बिल्कुल भी नहीं चल पाए। और मुझे ऐसा लगता है कि संजू सैमसन को ऋषभ पंत की जगह इस मैच में खेलना चाहिए था क्योंकि संजू सैमसन तीसरे या फिर चौथे नंबर पर काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं एज कम्पेयर टू ओपनिंग। बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बता दो और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।